अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं। मैं हूं आपका उस नबील कासम। आज हम पंजाब बॉय स्काउट समर ट्रेनिंग सेंटर घोड़ा गली मरी की ये व्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो एक तो ये आपको दिखाना मकसूद था कि जब सीज़न ऑफ होता है, सीज़न में बच्चे नहीं होते, तो यहाँ के क्या हालात हो सकते हैं होते हैं। आप देख सकते हैं सफाई अभी नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ये जो पॉपुलर के दरख्त हैं इनके ऊपर से ये पत्ते वगैरह ये चीज़ें गिरती हैं, इस वजह से आपको सफाई नज़र नहीं आ रही होगी। टेंट वगैरह हम उतार देते हैं, इनकी मेंटेनेंस वगैरह हो, मिट्टी वगैरह इधर उधर फेंकनी हो तो वो हम आउट ऑफ सीज़न करते रहते हैं। और अभी क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश आज तीसरा चौथा दिन है बारिश हो रही है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कैसे हालात हैं यहाँ पे। ये कैंप का व्यूज़ देख सकते हैं ऊपर, और ये यहाँ पे हमने शजरकारी की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरख्त बहुत अच्छे खड़े हैं। इसमें दरख्तों में खुबानी, अनार, अखरोट, बादाम और इस तरह के मुख्तलिफ जो दरख्त हैं वो हमने लगाए हुए हैं जी। ये देख सकते हैं तकरीबन 2 साल हो गए इन दरख्तों को, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे खड़े हैं। इनको हमने गोडी वगैरह की हुई है, ये आप देख सकते हैं। जी हम चलते हैं आगे। ये साइडों पे हमने लकड़ियाँ वगैरह तारें लगा के इसको बंद किया हुआ ताकि जो बकरियाँ वगैरह हैं इसको ख़राब ना कर सकें। अभी मैं कैंप की मुख्तलिफ जो बाकी जगह हैं उसका भी आपको विज़िट करवाऊँगा। कैंटीन है, वॉशरूम है, मस्जिद है, ग्राउंड है, कैंप फायर सर्कल है, यंग फार्मर ग्राउंड है, तो हम उधर भी जाके उन जगहों पे जाके देखेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। ये अभी हम नीचे जमे मस्जिद स्काउट कैंप वहाँ जा रहे हैं। देखें ये कैंटीन अभी बंद पड़ी है। ये जी हमारी जामे मस्जिद स्काउट कैंप, अभी हम नीचे जाएंगे। हवा है, हवा की वजह से मेरे पास अम्ब्रेला है जो इधर उधर हो रही है, इस वजह से फिर आए। देखें जी पानी जा रहा है नीचे की तरफ। ये नीचे वॉशरूम, क्योंकि जब बारिश होती है यहाँ पानी के बहाव का कोई पता नहीं चलता, कभी कहीं चला जाता, कभी आप देख सकते हैं ये पानी इधर उधर निकल रहा है, तो पानी ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से फिर जहाँ उसका दिल करे वो पानी चला जाता है। ये जी चनार का दरख्त, व्यू देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आते हैं। एक तो माशाल्लाह लोकेशन बहुत अच्छी है, और दूसरा यहाँ पे जब बारिश बरसती है तो यहाँ के व्यूज़ बहुत मज़े, बहुत कमाल के हो जाते हैं। अभी मुझे थोड़ा स्टेबल होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हवा है, हवा की वजह से मेरी जो छतरी है वो उड़ रही है, इस वजह से फिर थोड़ा सा मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू, तो
हम अब आगे की तरफ चलते हैं। ये हमारे वॉशरूम, वॉशरूम की बैक साइड देख सकते हैं दीवार, ये वॉशरूम। यहाँ से निकल के आगे की तरफ चलेंगे, ये हमने थोड़ा एडिशन किया है इसमें, इसको भी सेट करना है। वॉशरूम से हम गुजर के आगे तरफ जाएंगे या हम फार्मर ग्राउंड की तरफ। पानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, देख सकते हैं। कितनी ग्रीनरी है, बहुत मज़े का मौसम। मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हुए पड़े हैं अभी, हालांकि अप्रैल है, अप्रैल में काफ़ी मौसम चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी ठंड सर्दी। देखिए छतरी को बंद करता हूँ, ये जी हमारा यंग फार्मर ग्राउंड। पानी खड़ा है बारिश का, ये जी हमारा व्यू आपको दिखाता चलो। माशाल्लाह कितना व्यू प्यारा,
जी अभी हम ग्राउंड की तरफ चलते हैं, जो हमारा असेंबली ग्राउंड है उसकी तरफ चलेंगे हम। वहाँ के पे देखेंगे कि सूरत हाल क्या है। बारिश अभी रुकी है, हवा चल रही है। यहाँ जब हवा भी चलती है तो इतनी शदीद होती है, डर लगता है कि कोई दरख्त ना गिर जाए या कोई छाती ना उड़ जाए, क्योंकि यहाँ शिद्दत हवा की बहुत ज़्यादा होती है। पानी के झरने जी, ये अभी हम तकरीबन ग्राउंड की तरफ पहुंच चुके हैं। यस जी, ये हमारा ग्राउंड, असेंबली ग्राउंड, मैंने असेंबली ग्राउंड। पानी खड़ा है बारिश का। ये अभी बंखोड़ के दरख्त हैं, इनके पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। हमारा मोहसिन हाल, हमारा कैंपफायर सर्कल, कैंपफायर सर्कल, इसमें पानी खड़ा है क्योंकि बारिश हुई हुई है इस वजह से। हम ऊपर की तरफ चलते हैं। मेरा हॉल हाउस, मेरे स्टोर्स रूम्स, बावलपुर हाउस, इस तरह हमारे दूसरे रूम्स। यहाँ बुढ़ार हाउस की छत है, यहाँ जा रहे हैं, इधर का व्यू जो है वो हम कवर करते हैं।
ये देखें बारिश का पानी जगह पे खड़ा हो जाता है, निकालने चलें जी इस व्यू को हम कवर करते हैं। आप देख सकते हैं ये पत्ते हैं पॉपुलर के, इतने प्यारे लग रहे हैं ना, दिल कर रहा है बंदा इधर ही खड़ा रहे, इधर वीडियो बना के बंदा शेयर करता रहे, क्योंकि बाहर का मौसम स्टार्ट हो गया हुआ है। यहाँ पे पत्ते निकल रहे हैं, अभी पूरी तरह नहीं निकले, तो इस वजह से यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो व्यूज़ हैं, नेचर है, वो ऐसे दिल को लुभा रही है। अभी इंशाल्लाह जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो वहाँ के जो व्लॉग्स हैं, क्लासेस हैं, नोट्स हैं, या टेंट लगाना या सारा कुछ, उसकी भी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारी कैंपिंग है, हाइकिंग है, ट्रैकिंग है, हमारी क्लासेस होती हैं, एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, उनकी भी हम वीडियोस बनाकर आप लोगों से शेयर करें, ताकि आपके भी नॉलेज में इजाफा हो सके कि स्काउटिंग क्या है, किस तरह लोगों के काम आते हैं, क्या क्या होता है इसमें, और क्या क्या हम कर सकते हैं। ये हमारा मेन हॉल, इसके सामने भी हमने एक छोटी सी नर्सरी बनाई हुई है जहाँ पे हमने फ्रूट्स के मुख्तलिफ पौधे लगाए हुए हैं। जी ये आप देख सकते हैं, ये हमारा हमने छोटी सी नर्सरी इधर भी बनाई हुई है। ये जी हमारा मेन रोड, बारिश में लोग गांव गाय वगैरह को छोड़ देते हैं, देख सकते हैं आप सामने से गाय आ रही है। ये हमारा मेन रोड है, अनकरीब इसके भी इसको भी खुला किया जा रहा है,
काम शुरू हुआ है इसका। और जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह इस रोड को आप देखेंगे, ये जरूर खुला हुआ होगा। हम सेंटर होके आगे की तरफ आएंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। ये देखें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, खैरियत से रहें, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।